ब्रायोफाइटा पादप की महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि यह एक जलीय पौधा है और जलीय पौधा होने के साथ साथ इसके जीवन चक्र में दो अवस्थाएं पाई जाती हैं, एक युग्मकोद्भिद अवस्था तो दूसरी बीजाणुद्भिद अवस्था। युग्मकोद्भिद अवस्था स्वतंत्र जीवी होती है, अर्थात बीजाणुद्भिद युग्मकोद्भिद पर आश्रित होता है और बीजाणुद्भिद पर बीजाणुओं का निर्माण होता है और ये बीजाणु जमीन पर गिर करके युग्मकोद्भिद को जन्म देते हैं और युग्मकोद्भिद अंकुरित होकर के यानी बड़ा होकर के युग्मकों का निर्माण करता है और युग्मक यानी कि पुंगड़ों और अंड का निर्माण करता है और ये पौधे से अलग नहीं होते। जैसे परागकण बनते हैं तो और पौधों में परागकण अलग हो जाते हैं, लेकिन इसके परागकण अलग नहीं होते, इसी में ही रहते हैं और ये परागकण निषेचित होकर के युग्मनज का निर्माण कर लेते हैं, बीज का निर्माण करते हैं और ये बीज पौधे के ऊपर ही लगा रहता है और यहीं पर अंकुरित होकर के ये बीजाणुद्भिद को जन्म देता है। और बीजाणुद्भिद की जो अंतिम कोशिका है वो बीजाणु मात्र कोशिका होती है और बीजाणु मात्र कोशिका से बीजाणुओं का निर्माण होता है और बीजाणु बन जाते हैं, तभी बीजाणु पौधे से अलग हो जाते हैं। तो ये इसकी विशेषता थी ब्रायोफाइटा।